वेलकम टू फैल्कन फिन गाइस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक मज़ेदार कैलकुलेशन कि टर्म इंश्योरेंस और रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले टर्म इंश्योरेंस में कौन सा वाला पॉलिसी हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक बेसिक आपको बता देता हूँ, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट में हमें एक अच्छा खासा लाइफ कवर मिलता है कि अगर उसके अंदर कस्टमर की डेथ होती है तो एक बड़ा सम अश्योर्ड उसके फैमिली को मिल जाता है जो नॉमिनी होता है, और मान लीजिए अगर डेथ नहीं होती है तो कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं मिलती। इसी को थोड़ा एडवांस करके मार्केट में आरओपी टर्म इंश्योरेंस भी आने लगे जहां रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलता है। तो मान लीजिए अगर कस्टमर ने 10,000 रुपये सालाना 40 साल तक भरे हैं तो 4,00,000 रुपये उसने भरे हैं, अगर उसे कुछ नहीं होगा तो ये पूरे के पूरे 4,00,000 रुपये उसे रिटर्न मिल जाएंगे। तो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा फायदेमंद है या रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा फायदेमंद है, इस वीडियो में पूरे फाइनेंस के लैंग्वेज में कैलकुलेशंस के साथ कंपाउंडिंग के पावर के साथ पूरा कैलकुलेशन खोल के रख देंगे आपके सामने, जिसके बाद आप लोग कभी ये पॉलिसी लेते टाइम पे दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, टाटा की दो पॉलिसीज मैंने यहाँ पे कंपेयर की हुई है। यहाँ पे हम लोग रेगुलर पे की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नॉर्मल रेगुलर पे और लिमिटेड पे के बारे में देखा था, यहाँ हम देखेंगे आरओपी और नॉन आरओपी में। रेगुलर पे में 10,030 रुपया 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बन रहा है। मैं आपको अगेन यहाँ पे बता देता हूँ, सेम एज लास्ट वीडियो हम लोगों ने कैलकुलेशन लिया हुआ है। 25 साल का पर्सन है, नॉन स्मोकर है, मेल है और आने वाले 35 साल के लिए वो इंश्योरेंस कवर ले रहा है। तो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा है 10,030 रुपया सालाना और आरओपी में आ रहा है 16,616 रुपया सालाना। इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस का बात करता हूँ तो 6,586 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब मान लीजिए कोई पर्सन साल का अगर मान लीजिए आरओपी वाला प्लान लेता है तो वो 6,586 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा है, और दूसरा पर्सन जो है वो 10,030 रुपये मतलब 6,586 रुपये कम पे कर रहा है। तो आइए देखते हैं केस ए और केस बी में क्या डिफरेंस आता है। एक पर्सन जो 6,586 रुपये बचा के कहीं इन्वेस्ट कर रहा है उसमें फ़ायदा है, या दूसरा पर्सन जो पूरा पैसा आरओपी वाले टर्म इंश्योरेंस में पे कर रहा है। अभी देखिए, हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे मंथली बेस पे करेंगे तो सिंपल से हम देखेंगे अगर 6,586 को 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली 548 रुपये इस पर्सन के पास बच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी मेन कैलकुलेशन पे हम चलते हैं। उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के चैनल में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइज, ये जो सिंपल कैलकुलेशन है, 548 रुपये आने वाले 35 साल तक ये पर्सन इन्वेस्ट करेगा। अब इसके ऊपर हम अलग अलग वेरिएशंस पे देखेंगे क्या रेट पे क्या रिटर्न मिलता है, तो दोनों को कंपैरिजन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप यहाँ पे सिंपल देखिए, पर्सन ये 16,616 रुपये पे कर रहा है। कितने साल तक पे कर रहा है? 35 साल तक। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,86,560 रुपये उनको मिल रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जितना पैसा उनको मिला है उतना पैसा उन्होंने डाला हुआ है, मींस इन्वेस्ट किया हुआ है इंश्योरेंस में, वही पैसा उनको मिलेगा। तो अगर पर्सन प्लान बी के साथ जाएगा तो जो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है वो रहेगा, बीच में डेथ हुई तो 1 करोड़ का बेनिफिट नॉमिनी को मिलेगा। मान लीजिए डेथ नहीं होती है तो उनको मिलेगा 5,86,500 मतलब 5.5 लाख हम पकड़ लेते हैं। वही अगर मैं दूसरा केस में बात करूँ, 548 रुपये की SIP 35 साल तक अगर अलग अलग रेट पर की होती, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस डेथ के केस में मिलना है वो तो गिवन है। 8% के रेट से यहाँ 12,62,000 बन रहे हैं, 10% के रेट से 20,97,000, 12% के रेट से 35,59,000 एंड 14% के रेट से 61,55,000 रुपीज़ बन रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, एक तो चलो मैं मेरा ओपिनियन दूंगा, बट आपका क्या मानना है आने वाले लॉन्ग टर्म में मार्केट कितना परसेंट रिटर्न 35 इयर्स के ईए में कंपाउंडिंग देगा? मेरा मानना है कि 12 से 14% के बीच में देगा। तो हम लोग समवेयर 35 to 61 मतलब अगर फिर भी देखेंगे तो 7 से 10 गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा हमको आरओपी के मुकाबले। तो ये आरओपी वाले भी क्या करते हैं, वही प्लान्स में पैसा लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बेटरमेंट अपने को यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है ऑप्शन ए नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस में। देखिए, नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, इसके कॉम्बिनेशन को ना कोई मार्केट का प्रोडक्ट बीट नहीं कर सकता है। ये हो गया नंबर 1, हमको पैसे यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। नंबर 2,
मान लीजिए एक पर्टिकुलर एज में आपको लग रहा है कि नहीं, अब टर्म इंश्योरेंस मुझे नहीं चाहिए। 40 साल के उम्र में या 50 साल के उम्र में आपको लगता है बस हो गया, अब मुझे टर्म इंश्योरेंस नहीं चाहिए, आप वहाँ पे इसे बंद भी कर देंगे, ऑप्शन ए नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये इन्वेस्टमेंट के पैसे आपके पड़े रहेंगे। बट आप अगर आरओपी वाले प्लान्स में जाएंगे तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको मैच्योरिटी तक चलना पड़ेगा, या फिर पैसा मिलेगा भी तो बहुत कट के मिलता है। तो अगेन अपने को सेकंड यहाँ पे एक और चीज़ का लॉस हो रहा है। तो ये दोनों ही पॉइंट में हमको टर्म इंश्योरेंस बेस्ट पड़ता है, बट फिर भी मार्केट में आरओपी वाले प्लान क्यों चलते हैं, बिकॉज लोगों को ये कैलकुलेशन समझता नहीं है या फिर कोई समझा नहीं पाता है, मुझे पता नहीं। बट एजेंट तो चाहेगा आरओपी वाला प्लान मिले, क्योंकि आरओपी में प्रीमियम ज़्यादा है तो कमीशन भी ज़्यादा मिलता है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहाँ हम ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कैलकुलेशन के साथ, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फाल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।